शनिवार को बुधनी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। शिवराज सिंह चौहान के दबदबे वाली सीट से रमाकांत भार्गव चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि पिछले दो महीनों से रमाकांत भार्गव के साथ साथ शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। दावेदारों में उनका नाम था और ये नाम पैनल के जरिए दिल्ली भी भेजे गए थे। हालांकि बीजेपी ने रमाकांत भार्गव के नाम पर ही मोहर लगाई। अब बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद कार्तिकेय का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रमाकांत भार्गव बुधनी के लिए योग्य प्रत्याशी हैं। वो उनके लिए प्रचार भी करेंगे। आज सबसे पहले माता विजया सेन के दरबार पर हम सब जाकर सभी कार्यकर्ता साथी, सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे आदरणीय दादा हैं जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया है, हम सब जाकर पहले माँ का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सलकनपुर में ही हम सब एकजुट होकर इस कार्य योजना पर चर्चा करेंगे कि कैसे आने वाले 13 तारीख तक हम चुनाव प्रचार को स्ट्रक्चर करें, कैसे संगठन नीचे तक हम एक्टिव करें, कैसे हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें, कैसे शक्ति केंद्र पर बैठकें ली जाए, ये सारी योजना आज इस पर चर्चा की जाएगी। तो मैं आप सभी के माध्यम से पुनः कार्यकर्ता साथियों को कहना चाहता हूँ कि सलकनपुर में हम सब एकत्रित होंगे, आप सब वहाँ पर जरूर पहुँचें। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया था। शिवराज इस सीट से चुनाव लड़े और केंद्र में मंत्री बन गए। इसके बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।